हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो 3 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है। ओके सो हम देखेंगे टैरो के थ्रू एंड अपने डिफरेंट डेक्स से भी देखेंगे। ओके सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ओके सो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए, और जो आपसे नहीं करता है वो मैसेजेस किसी और के लिए है। ओके तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके तो चलिए। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए एंड आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। सो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब कार्ड पिक करेंगे। ओके द हायरोफेंट, टॉरस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वीगो कैप्रिकॉन, ओके गाइस हमारे पास दो कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोट। सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। Wow, the fool. ये बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, इनको हम नहीं लेंगे। ओके सो फूल्स हमारे पास है एरीज, एक्वेरियस, सजिटेरियस। ओके ओके एयर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग मैन। ओके पाइसेस हैंग मैन हमारे पास। ओके टेन ऑफ सोल्स और टेन ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके Two of Swords and bottom of the deck we have Ten of Cups, the Moon and Two of Cups. Okay, so we are putting it here. Okay, चलिए मैं रीडिंग बतानी शुरू करता हूँ आपको। सो गाइज डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यस आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोच इसलिए रहे हैं, पहले मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है बिकॉज उनके ऊपर फैमिली प्रेशर चल रहा है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ कप्स, पहला बॉटम का कार्ड ये है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यस फैमिली इशूज तो हैं थोड़े से एंड द मून भी मुझे यही दिखा रहा है कि यस फैमिली इशूज हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए एंड वो फिर इसी वजह से कन्फ्यूजन में भी हैं। फैमिली इशू है और कन्फ्यूजन है एंड इवन फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है उनके आपके दोनों के इस रिलेशनशिप में, बिकॉज वो प्रेशर बनाए हुए हैं आपके पर्सन के ऊपर। बिकॉज मे बी उनकी मदर के साथ आपके इशू हो या फिर फैमिली में किसी के साथ इशू हो, उनके सिस्टर, ब्रदर, फादर, किस कोई ना कोई तो है जिनके साथ इशू हैं या फिर वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप रहे, इसीलिए आपके पर्सन कन्फ्यूजन में है, वो दो तरफा सोच रहे हैं, इन डिसीजन में है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट वो यहाँ से मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि वो नया एक कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वो किस सिचुएशन में चल रहे हैं, क्या उनके घर में उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंसिंग की, बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, तो जो ये जो इश्यूज़ हैं ये बैलेंस के थ्रू ही खत्म होंगे जब उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ओके
सो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंसिंग की। तो चलिए रीडिंग को मैं आपको फर्स्ट कार्ड से बताना शुरू करता हूँ। यस डेफिनेटली किसी की सलाह ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मे बी अपने घर में आपके लिए बातचीत कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कि आप ही से उन्हें अपने रिलेशनशिप आपके साथ ही आगे बढ़ाना है, या फिर आप ही के साथ उन्हें शादी करनी है, या आप ही के साथ उन्हें रहना है, बट उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ इशू आता है इनका बार बार। किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में, मतलब इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि किसी ना कहीं काफ़ी बार जब इनको एन्जाइटी या फिर डर या फियर जैसा फील होता होगा तो किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ये अपनी काउंसलिंग कराते होंगे। इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि किसी डॉक्टर के पास जाके या फिर किसी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से बात करके ताकि इनकी मेंटल इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिले और इनके दिमाग इनका दिमाग शांत हो। यहाँ से मैं ये भी गेट कर पा रहा हूँ क्योंकि बातचीत तो कर रहे हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है, बट एक्शन लेने में ये थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, या फिर आप दोनों कम्युनिटी का कोई ना कोई चक्कर है। बिकॉज जो इनके पेरेंट्स हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव नज़र आ रहे हैं मुझको, थोड़े से रूढ़ीवादी हैं, बिकॉज इनका एक्शन उनकी वजह से ही रुका हुआ है इसलिए सोच रहे हैं। बट ये पेंटिकल आप ही को देना चाहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत परेशान चल रहे हैं इस टाइम पर आपके बारे में सोच सोच के। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई भी जॉय नहीं रहा, हार्मनी नहीं रही, बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और इनको बहुत ही अलोन फील होता है, बहुत ही अंधेरे में जी रहे हैं ये अभी। इनको उस अंधेरे से बाहर आना होगा और ये आने की भी कोशिश करते हैं बहुत बार बार, और जिन काफ़ी बार तो ये मतलब उन पर ट्रस्ट, उन लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं जो इनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। जैसे ये अगर किसी को अपनी बात बता देते हैं, अपने दिल की बात, या फिर जो भी अपने किसी फ्रेंड को, या फिर किसी भी मतलब या फिर अपने क्या पता इनके पेरेंट्स ही इनसे बोले कि प्लीज़ आप हमें बताओ जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है, और ये बताते होंगे तो फिर इनको बाद में वो धोखा दे देते हों, या फिर वो इनकी बात जान के इनसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हों, तो इनके बीच में मतलब बिट्रेयल, इनको बहुत ही बिट्रेयल का सामना करना पड़ रहा है, धोखे का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ कि ये आपके साथ भी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत परे अभी ये क्योंकि बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ। अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, जैसे कि मैंने कहा ना टू ऑफ, सो हमें क्लियरली दिखा रहा है कि कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, और इन्होंने अपनी आंखों पर फालतू की पट्टी बांधी हुई है। इन्हें लगता है कि इनके पेरेंट्स और इनके जो रिलेटिव्स हैं वो इनके साथ गलत कर रहे हैं, या फिर इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। इनको ऐसा भी फील होता है काफ़ी बार, बट मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ कि इनके पेरेंट्स बहुत जल्द मान जाएंगे जब ये अपने लिए कोई न्यू बिगनिंग लेंगे। अभी इनके पेरेंट्स इनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, मे बी इसलिए क्योंकि ये अपने करियर में स्टेबल नहीं है, या फिर इसलिए, या तो इनकी लाइफ में मतलब ये पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और इनको बहुत ही ये ग्रीफ में चले गए हो, रिग्रेट में चले गए हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो एंड देन इनकी लाइफ में कोई नया रिलेशन बना हो। तो मैं वहाँ से वो भी देख पा रहा हूँ पास्ट की चीज़ें कि ये अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्ट है अपने पास्ट से, इनके पास्ट ने इन पर बहुत इफेक्ट डाले हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि यस ये पहले भी बहुत ज़्यादा पेन में गए हैं, बहुत ज़्यादा सोरो में गए हैं। तो मे बी ये कुछ लोगों की सिचुएशन में हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट हो रही हो जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ के साथ ना हो रही हो, बट यस कहीं ना कहीं इनके ऊपर पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसकी वजह से ये बार बार परेशान हो जाते हैं। बट यस इन्हें अपने पास्ट को भुला के आगे तो बढ़ना ही होगा, क्योंकि द फूल कार्ड आया है तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आएगी, और मैं यहाँ से न्यू बिगनिंग देख पा रहा हूँ करियर में, अपने माइंड बैलेंसिंग में। ओके, क्योंकि देखिए न्यू बिगनिंग आई तो ये अपने करियर में मास्टरी करेंगे, जो भी ये करना चाहते हैं उस लाइफ में, मतलब अपने करियर में हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा। बट मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ कि इनको अपने हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने माइंड को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, न्यूट्रल करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इनको उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है कि ये किसी, ये ना तो खुद परेशान हो ना किसी और को परेशान करे, बिकॉज इनकी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है जब इन्हें कोई हर्ट कर देता है तो ये परेशान हो जाते हैं और ये अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लाद लेते हैं। मतलब मे बी या तो इनको सोशल एन्जाइटी है, सोशली अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोग इनकी बात समझ नहीं पाते, तो इनको ऐसा फील होता है कि हाँ मतलब ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं। बर्डन ये भी हो सकता है कि फैमिली ने कोई इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी का फ़र्ज़ होता है कि अगर फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो उसको उस पर खरे उतरना। ओके, बट ये और भी बहुत सारे बर्डन लेके चल रहे हैं अपने ऊपर, अपने थॉट्स का बर्डन है,
इन्हें लगता है कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, उस चीज़ का बर्डन है, तो ये सारे बर्डन खत्म हो जाएंगे। एंड 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है गाइस, तो ये कंप्लीशन साइकिल, ये जो साइकिल चल रही है कंप्लीट होगी, डेफिनेटली कंप्लीट होगी। ये जो पेन सोरो जो भी चल रहा है ये सब कुछ कंप्लीट होगा गॉड टाइमिंग के साथ। द हैंगड मैन, अभी पॉज है, सरेंडर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गॉड में। गॉड में सरेंडर करोगे तो चीज़ें चेंज होंगी, एंड चीज़ें चेंज होंगी तो डेफिनेटली अपने सोलमेट को मिल लोगे आप, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, अब ये पर्सन बहुत सोच रहा है, बहुत कुछ इसको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट में आपके लिए, इसकी करंट फीलिंग्स में अभी बहुत रिग्रेट में चल रहा है ये, बट नहीं आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अब आप इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मत बना देना, आप कभी मुझे कमेंट करके बोलो कि सर आप तो एक ही तरफा बात कर रहे हो, आप ही और शी कोई भी हो सकता है, ओके, इवन सेम जेंडर भी हो सकता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आप दोनों को, आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फील करते हो, आप दोनों की लाइफ में एक जैसी सिचुएशन चल रही है। क्योंकि देखिए, अगर इस कार्ड के आने का यहाँ पर ये भी मतलब है कि अगर ये कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, आपके पर्सन के साथ ही नहीं, ये सिचुएशन आप भी फेस कर रहे हो अपने घर में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, मतलब सॉरी 2 ऑफ कप्स मुझे यही बता रहा है कि यस, ये दोनों से ये सिचुएशन दोनों के साथ चल रही है अभी। और क्लैरिटी के लिए हम देख लेते हैं अपने दूसरे कार्ड से। गाइस एक कार्ड आ गया है मेरे पास, अथॉरिटी। डेफिनेटली इन्हें अपनी लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा अपने करियर के लिए भी वर्क कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए भी अथॉरिटी मिलेगी इन्हें। ये पर्सन अथॉरिटी में है इस टाइम पर, या फिर आने वाले अथॉरिटी में, और जब इन्हें अपने करियर में अगर ये मतलब अच्छा कर लेता है तो डेफिनेटली इनके पेरेंट्स से चाहेंगे फिर ये किसी से भी शादी करें। मेरे को यहाँ से करियर भी एक मेजर फैक्टर दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स इन पर इसलिए प्रेशर बनाए हुए हैं कि ये अपने करियर में आगे बढ़े। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, तो डेफिनेटली इन्होंने अपने आप को बाहर की दुनिया से तो बिल्कुल ही अलग कर रखा है, बाहर के लोगों की तरफ ये देख भी नहीं रहे हैं, अपने ही अंदर जी रहे हैं, अपने ही पेन को जी रहे हैं, अपने ही सोरो को जी रहे हैं, अपने एक मूड को जी रहे हैं, अपने उस मूड से बाहर आने की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपको इस नेगेटिविटी से तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही है गाइज। अगर आप इस मूड से बाहर आते हो तो क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो बहुत ज़्यादा, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने दिमाग से ये नेगेटिव एनर्जी को निकालो, देन आप अपने रियल सेल्फ को समझ पाओगे। पैशन इग्नाइटेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने पैशन को समझने की, अपने पार्टनर के लिए पैशनेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली गॉड आपकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और आपको ट्रांसफॉर्मेशन खुद लाने की भी ज़रूरत है अपने अंदर। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ही आएगी। पावर, ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद आप अपनी पावर को समझोगे कि यस आप की क्या पावर है और आप कितना क्या कर सकते हो अपने मतलब इंट्यूशंस के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू, अपनी पावर के थ्रू आप समझ जाओगे। पर पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सेक्रल चाक्रा, डेफिनेटली मेरे को यही लग रहा था यही आने वाला है। तो फीलिंग्स की बात करूं, अगर मैं इमोशंस की बात करूं मैं, तो डेफिनेटली ये कार्ड आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पर। इमोशंस, डिज़ायर, क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक एनर्जी में रहने की, एक फ्लो में रहने की। बिकॉज अगर आप अपने सेक्रल चाक्रा को ओपन करते हो, जो भी आपकी इमोशंस हैं आप उन्हें बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर पाओगे, आपको पार्टनर बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाएगा, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, पावर उनको समझ में आएगी, अथॉरिटी, और जो भी अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम में चल रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, तो डेफिनेटली इन दोनों सिचुएशन से इन्हें बाहर आने की जरूरत है, अपने लिए पैशन इग्नाइटेड होने की जरूरत है, ओके, देन ये अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो जो भी ये करेंगे वो मायने रखेगा। देख लीजिए अब शैडो ही आ गया, इनको लग रहा है कि सब कुछ एक जगह पर रुक चुका है, ये अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा जी रहे हैं जैसे कि मैंने कहा था। नहीं, इन्हें अपने पास्ट लाइफ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चूज वाइजली, इन्हें बहुत ही वाइजली चुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग अगेन, डेस्टिनी, ट्रम्प, वाओ, थ्रोट चक्र, सारे ही गाइस देख लीजिए आप मेजर खाना जाइए। सो
मुझे तो लग रहा है कि इसने सक्सेस मिलने वाली है, डेस्टिनी इनका साथ दे रही है, न्यू बिगनिंग होगी, इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है एंड चूज वाइजली, थ्रॉट चक्र ओपन करने की जरूरत है अपने, अगर अपने बारे में लोगों को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ही होंगी, अगर ये इतने मतलब उस तरीके से अपने लिए वर्क करते हैं तो. सो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एनर्जी से बाहर आने की. लव डेफिनेटली आपके लिए लव तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हो, बट आप दोनों को ज़रूरत है अभी अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली ये लव आगे चल के बहुत ही खूबसूरत लाइफ में बदलने वाला है, बिकॉज हमारे पास 10 of Cups है, आप सामने देख सकते हो 10 of Cups रखा हुआ है, तो डेफिनेटली 10 of Cups ये दिखा रहा है कि आगे चल के लाइफ में चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपकी दोनों की लाइफ एक खूबसूरत मोड़ पर जाएगी ही जाएगी, तो आप दोनों को बस ज़रूरत है अपने लिए वर्क करने की, अगर आप वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपका साथ देंगे, गॉड आपका साथ देंगे. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आपको ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, अपने लव को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, आप दोनों जब भी आपके पर्सन आपसे मिले तो इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेना, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों को ही, एंड सेक्सुअलिटी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सेक्सुअली डिज़ायर हैं आप दोनों के, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्ट भी करते हो डेफिनेटली, एंड द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डेफिनेटली अभी आपके पर्सन बहुत ही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में चल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन में है, पास्ट में जी रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे क्योज खुद ही मचाए हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आप देख सकते हो हमारे पास नीचे देखिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों को अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपने आप को दोबारा से आपको रीपेरेंट करने की जरूरत है, एंड क्रिएटिविटी आप देख सकते हो आप दोनों कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर करोगे, एंड मैच्योरिटी अपने आप को थोड़ा मैच्योर कीजिए गाइस प्लीज. सो अब हम देख लेते हैं एनर्जी और ओरेकल से आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस आती है यहाँ से निकल के. ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ डेफिनेटली आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलेगी गाइस, ये अबंडेंस आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड है, आप देख लीजिए ये अबंडेंस आपको आपके हर एक गोल को, हर एक अचीवमेंट को आपके पास लेकर आएगी, आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलने वाली है. स्टॉर्म वार्निंग डेफिनेटली अभी आपकी लाइफ में बहुत ही स्टॉर्म जैसा फ्रेज चल रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये स्टॉर्म वार्निंग आपके आगे के लिए भी हो सकती है कि अगर आप अपने दिमाग से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं निकालते हो, अपने शैडो शैडो से बाहर नहीं आते हो, अपने पास से बाहर नहीं आते हो, अपने सैक्रल चक्रा को ओपन नहीं करते हो, अपने आप को बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे. देखिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, सो डेफिनेटली अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन सब पेन सोरोज इन सब चीज़ों से बाहर आते हैं, तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप देख रहे हो कितने सारे दरवाजे हैं इस कार्ड में, और ये सब दिखा रहे हैं कि यस आगे चल के आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. गॉडेस ऑफ द मून, वाओ सबसे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड आ गया है इस डेक का, एंड द गार्डन एट द गेट, द गार्डन एंड द गेट, इसको हम यहाँ रख देते हैं. एंड सो गॉडेस ऑफ द मून हमें क्लियरली दिखा रही हैं आपको अपने इंट्यूशंस को, अपनी एबिलिटी को, अपनी इंसाइट को, अपने अंदर अंतर आत्मा को बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, अब उनका व्यू पॉइंट समझने की ज़रूरत है, और ये आपको बता रहा है कि आपकी जो पावर है आपको बहुत ही इंट्यूटिव बनाएगी, आपको बहुत ही इंट्यूटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी इशू आपकी लाइफ में चल रहा है गॉडेस ऑफ द मून आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला रही हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाएंगी, एंड आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा मतलब आप बहुत ही ज़्यादा ना एक खुश
खुश वाली लाइफ, खुशनुमा लाइफ जीने वाले हो, या आपको ब्लेस करने आई है, यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देने आई है कि परफेक्ट टाइमिंग आएगी, परफेक्ट टाइमिंग गॉडेस ऑफ द मून ही लेके आएंगी आपकी लाइफ में, एंड ये आपको बहुत ही इंस्पायर करने आई है यहाँ पे, ये इंस्पिरेशन दे रही है आपको कि यस आपको ऐसा बन जाना है कि आप अपने हाथ में एक चांद को भी पकड़ लो, मतलब आपको इतना खूबसूरत तरीके से अपने इस करियर के लिए, अपने इस फ्यूचर के लिए, अपने इस लव लाइफ के लिए सोचना होगा, आपको गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में आना होगा। तो द गार्डन एंड द गेट से आप देख सकते हैं कि यस, यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये गर्ल है जिसके आप देख सकते हैं गले में एक की है और ये गेट बंद है। तो डेफिनेटली आपने अपनी इस की को, अपनी अपनी सोल को आप फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने इमेज कॉन्शियस हो जाते हो, या फिर आपको सोशली डर लगता है हर एक चीज़ को एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में। बट यस, आपको अबंडेंट प्रोस्पैरिटी मिलेगी, आपको स्टेइंग सेफ, आपको सेफ रहना है, एंड आपको देख लीजिए, आप जब आप इस ताले की चाबी को ताले में लगाकर खोल दोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, आपको जॉय मिलने वाला है, लव मिलने वाला है, हार्मनी मिलने वाली है, एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल दिखा रहे हैं हमें कि यस आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र को ओपन करने की गाइस। सो देख लीजिए, ये थी आपकी आज की रीडिंग, और आपके पार्टनर की भी रीडिंग है ये, और ये जो मैंने ब्लॉसमिंग अबंडेंस स्टॉर्म वार्निंग एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड गॉडेस ऑफ द मून एंड द गार्डन एंड द गेट, ये है गाइडेंस आप दोनों के लिए ही। बाकी वो जो हमने पीछे बताया वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है, तो देख लीजिए आपको किस तरीके से काम करना है अपने ऊपर, किस तरीके से इस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।